लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील को मुस्रद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। परवेज इलाही की रिहाई के खिलाफ हुकूमत अपील की समाअत का मामला है। ये आपको अहम खबर दें इस हवाले से, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच हुकूमत पंजाब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, अदालत के रिमार्क्स। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं असद शाह से। जी असद बताएगा, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने और रिहाई के सिंगल बेंच के खिलाफ हुकूमती अपील को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने हुकूमत पंजाब की अपील पर समाअत की है। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि वजूहात तफसीली फैसले में बयान की जाएंगी। परवेज इलाही के वकील अली जफर और आमर सईद रा पेश हुए। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि आप एक केस में तफ्तीश इसलिए नहीं करते ताकि दूसरे केस में गिरफ्तार किया जा सके? अगर हुकूमत ने मामला ऐसा चलाना है तो क्या अदालतें भी रिलीफ ना दें? सिंगल बेंच ने 15 जुलाई को फैसला देते हुए परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए गैर जाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक रखा था। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया था। दो रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज समाअत मुकम्मल करके फैसला सुना दिया है। दो रुकनी बेंच ने अपील खारिज कर दी, जिसके नतीजे में सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया सर।